देखिए, कुछ शिकायतें तो हैं लोगों को, और राज्यसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, तो वहाँ पर विद्वान लोगों को, वरिष्ठ लोगों को और ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनसे देश की सेवा करने की उम्मीद हो और पार्टी को मजबूती मिले। लेकिन जो फैसले हुए हैं उनसे काफ़ी नाराज़गी है। पंजाब के लोकसभा के सदस्य हमारे मनीष तिवारी जी ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। कांग्रेस के और कई नेताओं ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए इस पे कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने को कहा है। लेकिन अब तो फैसला हो चुका और मैं समझता हूँ अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बात करते हैं जो नेता भी हैं और कांग्रेस लीडर हैं नगमा, उन्होंने भी जो ट्वीट किया था उस पर आपने कहा सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, आज़ाद साहब की तपस्या 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। उन्होंने तपस्या की जो बात कही उसके ऊपर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने बोला ये 3 लीडर्स का आपने नाम लिया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी, है ना, ये बहुत बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के इस्टेब्लिश्ड वेल नोन लीडर्स हैं ये। मतलब एक होता है कि हाँ भाई नेता है, एक होता है कि स्थापित नेता है। और गुलाम नबी आज़ाद, जिनके लिए भारत का प्रधानमंत्री संसद में रोता है, वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जो बड़ा पत्थर दिल कहे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो रोते हैं, तो उनका सम्मान तो करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं जो फैसले हुए हैं उससे उन लोगों को भी ठेस पहुंची होगी। और कांग्रेस की जो एक परंपरा है, एक मर्यादा है राज्यसभा में लोगों को भेजने की, उस पर भी एक सवालिया निशान लगा है। पवन खेड़ा के ट्वीट पे आपने कहा कि आज ने जो आपने रिप्लाई किया कि आत्मघाती कदम है, क्योंकि प्रतिभाओं का दमन करना पार्टी के लिए, ये जिस तरीके से देखा जा रहा है ये दमन की तरफ जा रहा है। पवन खेड़ा के आपने बोला देखिए, पवन खेड़ा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, और भी बहुत योग्य लोग हैं कांग्रेस में। लेकिन हमारी पार्टी ने जो फैसला किया है उसमें जो ज़्यादातर शिकायतें हैं वो ये है, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत जनाधार वाले नेता हैं हरियाणा के, और हरियाणा में आगे चुनाव होगा तो उन्हें हरियाणा से भेजा जाना चाहिए था। लोगों की शिकायतें हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को हरियाणा से ना भेज के राजस्थान भेजना। मुकुल वासनिक जी महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र भेज दिया। राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वहाँ, बड़े योग्य नेता हैं। तो मैं समझता हूँ उन राज्यों के नेताओं को पीड़ा ये है कि बाहरी लोगों को हमारे यहाँ क्यों भेजा गया, तो ये सवाल तो बनता है। आपकी भी पैरवी मौलाना अंसार रजा ने करी, यहाँ पे आपने भी भावुक होकर एक लाइन बोली है कि हिंदू होना या धर्म गुरु होना एक माइनस पॉइंट होता है अपोजिशन में। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं राज्यसभा के कैंडिडेट की रेस में नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है। तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्म गुरु को राज्यसभा में कैसे भेजा जा सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मैं कल भी कांग्रेस के साथ खड़ा था, आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, जिसके लिए कुर्बान हुए, अपने लहू का बलिदान देकर के इस पार्टी को सींच करके खड़ा किया है। जो कांग्रेस अगर खत्म होती है, कांग्रेस अगर
कमजोर होती है तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। सवाल मेरी राज्यसभा का नहीं है, सवाल है इस भारत के लोकतंत्र के भविष्य का। तो अगर इस देश में लोकतंत्र को कायम रखना है और मजबूत रखना है तो एक तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, और अगर विपक्ष मजबूत रखना है तो कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। तो राज्यसभा में उन लोगों को भेजा जाना चाहिए था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि जिन लोगों के राज्यसभा में भेजने से पार्टी को ताकत मिलती, पार्टी का जनाधार मजबूत होता, कांग्रेस नेतृत्व को ताकत मिलती, तो राज्यसभा में वो नेता जाने चाहिए जो पार्टी के लिए एसेट्स हों, पार्टी पे बोझ जो हैं जिनकी वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है उनको राज्यसभा में भेजने से क्या फायदा? आपके हिसाब से कौन एसेट्स हैं और आपके हिसाब से कौन से बोझ हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, सारी दुनिया जानती है, सब कांग्रेस के सब नेता जानते हैं, नाम एक दो का नाम लेके क्या फायदा? लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को ऐसे नेताओं से छुटकारा चाहिए जो उनके लिए बोझ हैं, जो उन पे लाइबिलिटी है। नगमा ने अटैक किया काफी इनाम बदलाबड़ी के जो नामांकन के लिए उन्होंने जो खर्चा भरा है महाराष्ट्र, उनकी भी जो बहुत टाइम से बोला कि 2003-04 से उनको सोनिया गांधी ने खुद प्रॉमिस किया था। इमरान बदलाबड़ी यूपी से ही आते हैं, आप भी परिचित हैं उनसे, नामांकन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी युवा हैं लेकिन अभी नए नए पार्टी में शामिल हुए, पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया मुरादाबाद से, तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी तो हुई है। नगमा की जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना है, उस पर गौर तो करना चाहिए। आचार्य जी, तीन टिकट यूपी, तीन लीडर्स को यूपी के हैं जो जिनको राज्यसभा भेजा गया है, यूपी में कोई इम्पैक्ट आएगा आपके हिसाब से? अगर 2024 के भी अभी चुनाव सामने हैं आपके हिसाब से? देखिए, सवाल एक उत्तर प्रदेश का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 पार्लियामेंट की सीट है उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा स्टेट है, और उत्तर प्रदेश ही 2024 का भविष्य तय करेगा। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी देश की सत्ता में स्थापित है। तो अब प्रियंका गांधी जी हमारा नेतृत्व कर रही हैं उत्तर प्रदेश का, वहाँ की प्रभारी हैं, तो राज्यसभा में कौन उत्तर प्रदेश से गया है और कौन जाएगा, इससे उत्तर प्रदेश मजबूत होगा या कमज़ोर होगा ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि देश कैसे बचे। पीसीसी की पोस्ट भी वेकेंट है उत्तर प्रदेश में, और बहुत समय हो गया है, और चिंतन शिविर भी निकल चुका है, उनके बाद अभी भी पीसीसी का नाम भी नहीं पाया हुआ है। मंथन चल रहा है, चिंतन हुआ था वहाँ उदयपुर में, अब मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी ही एक योग्य कद्दावर विद्वान कोई अध्यक्ष मिलेगा, उसकी तलाश जारी है। लल्लू जी बहुत ही कर्मठ हमारे अध्यक्ष थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, अभी तलाश जारी है। आपने जहाँ राज्यसभा में काफी जो एसेट्स की बात करी थी, अगर आपके हिसाब से कौन थे जो मिस आउट हुए, आपके हिसाब से जिन जो डिजर्व करते हैं? मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, तारिक अनवर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, राशिद अलवी साहब, इनमें से किसी एक को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था, और पंडित जनार्दन द्विवेदी, पवन खेरा, है ना, ये जो आप नाम ले रहे हैं कंसीडर किया जाना चाहिए था। काफ़ी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को क्विट भी कर रहे हैं, और राज्यसभा के इलेक्शन से पहले कपिल सिब्बल का उदाहरण देख लीजिए जिन्होंने पार्टी को क्विट किया, ऐसी सिचुएशन पे कैसे देखते हैं, पार्टी को क्या मंथन करना चाहिए इसके लिए? देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाला है ना, तो अजय माकन जी को आप हरियाणा भेज रहे हैं, हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को आप राजस्थान भेज रहे हैं,
और उत्तर प्रदेश के लोगों को आप छत्तीसगढ़ भेज रहे हैं, राजस्थान भेज रहे हैं और महाराष्ट्र भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है ना। कांग्रेस नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसको मानना सबका फर्ज बनता है, सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं तो अपील करूंगा सभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के विधायकों से, राजस्थान के। देश विदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखना चाहते हैं तो आज ही तुरंत सब्सक्राइब करें एक्सिस भारत न्यूज चैनल को। बगल में मोबाइल के स्क्रीन पर दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को तुरंत ही प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन तुरंत दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके।